क्या कहा बॉबी ने अपनी फिल्मों के बारे में, बॉबी कौन सी फिल्मों में आएंगे नजर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉबी देओल ने प्रकाश झा की आश्रम में अपनी परफॉर्मेंस से सभी को प्रभावित किया है। इस सीरीज के जरिए दर्शकों को उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। बॉबी देओल ने अब अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, लेकिन वो आश्रम के बिल्कुल उलट हो सकता है। वो जल्द ही एक रोमांटिक फिल्म में दिखाई देंगे। बॉबी देओल ने एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा कि एक एक्टर के रूप में वो सभी जॉनर की फिल्मों और शोज में अलग अलग रोल्स करना चाहते हैं। एक्टर ने इस फैक्ट को भी एक्सेप्ट किया कि उन्होंने बीते कुछ सालों में ऐसे रोल निभाए हैं जो आकर्षक और अमीर हैं। एक्टर का कहना है कि वो एक ऐसे उम्र में पहुंच चुके हैं जहां वो उस तरह के रोल करना चाहते हैं जो अन्य एक्टर कर रहे हैं। बॉबी ने आगे कहा कि जब आप दूसरों का काम देखते हैं तो आपको मजा आता है और आपको हैरानी होती है कि आपको उन किरदारों को निभाने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है। एक्टर ने बताया कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग उन्हें उस तरह के किरदारों में लेना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि उन किरदारों को निभाना मज़ेदार, चैलेंजिंग और आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। आगे विस्तार में बताते हुए बॉबी ने कहा कि वो भी एक ही काम करने से ऊब जाते हैं और हर तरह की भूमिकाएं करते हुए बदलाव चाहते हैं। बॉबी का मानना है कि दर्शकों को वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जो वो पहले कर चुके हैं, साथ ही वो कुछ अलग भी करते दिखेंगे। बॉबी ने ये भी खुलासा किया कि वो बहुत जल्द एक लव स्टोरी करेंगे, उन्हें सिर्फ एक सही स्क्रिप्ट का इंतज़ार है। बॉबी ने अपने फैंस की उम्मीदों के बारे में भी बात की। उनका मानना है कि दर्शक हमेशा आपसे प्यार करेंगे, लेकिन एक अभिनेता के रूप में आपको सुधार करते रहना होगा और अपनी ग्रेट परफॉर्मेंस देनी होगी। काम की बात करें तो बॉबी अगली बार सोल्जर 2 में दिखाई दे सकते हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं बॉबी देओल को बड़े पर्दे पर देखने के लिए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़।